ना दे ली यार, मैंने अब तू बुला के बैठ रही है ना, तेरे काम करने टेम्पो उठा कर। काम खंडा नहीं काम। अच्छा पोचा मारना क्या बहू ने? क्यों मारना, और काम कोम करेंगे तो क्यों, काम तो पाना चाहिए, नाटक बनाती है ना। हाँ। खाली खाम खा फ्री फ्री मांडा है, गुंडा हो जाए उल्टा है। अरे यार मेरी जठानी मेरा ठारी है डंडा मारेगी साचे में। तू फागना क्या लड़ाई मारा है तने बुलाई में? आए मुना वो गुड्डी को ने बुलाई कति एक ने पे ना गुड्डी ने ना कहीं ना तने ना माऊ को आए देखे मुन्ने समारे आए तने तन्यू भी ना कहीं पे भेजा कर मेरी बाण ने दे दिया कर सुगुल्ला। ए मैंने सबके नाम के दिए थे कि नहीं बेबे, ने बता दे बेबे मेरी बहू का मना ते टिप्पण भर का मैंने सब पेशल लोग कही थी पहले मेरी जठानी जमा दी बिठा के इसा मारूंगी बस ने नाम लेने की जरूरत ना अगर फैमिली फैमिली होया अगर ठीक है। अरे तू मेरी दरानी जठानी की बजवाओगी कि ए ले मिर्च दे उधर ती खा ले खतरनाक हो रही है ले अब पेट मदद करा इधर हूं बात करके बताओ जब जब का ले किसे के ना और बना दे बड़का दे 2 मिनट लाग रहा मैं तो जब बना दिया और मैंने लाग रहा बात एक बन कदम पूरा बना चाहे एक बनाना हो जब बना दिया तो गेर दिया वो लोग तो देखे अपना गेर दिया यार मेरा रखवार गिर जाता मैं तो वो बना रही थी मेरी मैं टाइटल दे तू आज मतलब बटे केला बना रहा क्या सब्जी बनाई आज ने ले बेबे चकली मत थारे बाल खा लेंगे मेरी तो बुआ लाग है तू समझ जा तेरी बुआ लागे जाएगी मेरे तो चौधरी था तू समझ और तू भी बुआ बनाओगी डट जा ना मैं भी बना लूंगी देख देख मारी बात तो कोई ध्यान होता इसका ठीक है मेरा हम दो जनी बैठी तो ना समार के साथ तेरा के ना बेबे समारिया मना खा लिया ठीक सर। और ये जग आते ही बैग चेक कर किया जा रहा है आ लिया तो खान जी नहीं लागता तेरा है ठाइए मन्ना इनने और हमारी शेरणी सो रही है चार्ज हो रही है परेशान करने के लिए आइसक्रीम ना मुंडा वैम पकड़ रहा है आइसक्रीम का दस खा ले रही है मैं लिमिट के लगा मैं दस खा ले रही हूं दो जवाब दे रहा ये जो ना ले करती इतना लो जितना या करे या नहीं मानती कती भी। राम राम जी सभी को, उम्मीद करती हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे और भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मिलो इनसे, ये है मेरे जेठ जी जो कि अजय के बड़े भाई हैं और भाई इनका एक रूल है कि बच्चों के साथ एक बार ड्यूटी पर जानते पहला और एक बार ड्यूटी पर आने बाद कि एक जोटा बच्चा की गिला जरूर लाया करें। तो ये तो देखो हमारे बड़े बूढ़े ने भी कही है कि भाई मानस की हार कौन तारे के बालक तारे, और यह सच्चाई है भाई मानस की हार रियलिटी में बाढ़ के तारे आ करें। जब एक थक हार के बाहर था आदमी और जब बच्चा दिखे ना अपना तो थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद एक रिलैक्स एक फ्रेशनेस होती है और ये रियलिटी है। यह चीज़ तो मैंने भी देखी है कि जब मैं हेजू ना छोड़ कर जाया करती 6 महीने की थी हेजू जब मैं जो पे जान लग गई थी छोड़ कर ड्यूटी पर तो जब मैं आती ना मतलब पूरी थकान होया करती सही बता दो जब हेजू आती ना गोदी में तो बस मतलब थकान एकदम छू हो जाया करती सच में वो चीज़ ही अलग होती है वो बात ही अलग होती है। और भाई ये नठान लग रहे थे मखा मठाओ या करेगी फिर सारे ने परेशान तो ये कहते ना ना मैं तो ठाऊँगा मखा मन ना ठावे कुछ ना है वहाँ खाया सारा दुखी करेगी। और भाई जा लिए हैं सब ड्यूटी पे जो इन्हें ड्यूटी पे जाना ड्यूटी पे जिन्हें स्कूल में जाना स्कूल में और भाई रे आ रे जो खेलन लग रही हैं तब तक मैंने सोचा मैं भी अपना खाना खा लूँ बना के। तो मैं अपनी रोटियां कभी नहीं बना के रखती मैं रखा करूँ भाई अपना चून आटा लगा कर रख दिया करूँ कि जो भी कितनी देर में मैंने खानी है चाहे वह 10 बजे खानी है 12 बजे खानी जिस टाइम भी मेरे को भूख लगती है टाइम लगता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी एक दो रोटी जब भी बनाने का मन हो तो बना लेती हूँ। तो अब बना रही थी मैं अपने लिए रोटी यार भाई जिसने का दिल है खाने का रोटी सब्जी
बात इसी है, बना के खा लो। तो ये थी एक मजाक की बात भाई, आस्क हो मोस्ट वेलकम, खा सकते हो। और भाई मैं सोच रही थी कि मखाला बना बनो दो, और तो रोटी तो मैंने बनानी शुरू कर दी है, और मैं भूल गई थी खीरे लाने, तो बीच में लाऊंगी मैं एक बार खीरे भाज के। और बच्चा का ऐसा काम है भाई, देखो मैं अभी एडमिशन तो हमने करवाया नहीं है, करवाएंगे सैटरडे तक का वेट है, क्योंकि जो स्कूल हमने अभी सिलेक्ट हो गया स्कूल, जिस स्कूल में हमने भेजने हैं बच्चे, और बजट के अकॉर्डिंग देखा भाई, ज़्यादा वो हैवी मतलब यूँ नहीं कहते कि घना रिच स्कूल है भाई, पॉपुलरिटी ज़्यादा पॉपुलर है ना, नहीं नॉर्मल स्कूल है, गांव का ही स्कूल है, और उसी में भेजेंगे, प्लस टू तक का स्कूल है, जब तक बच्चे भाई अपने समझदार हो जाएंगे, 12वीं तक करवा दो, लेकिन 5th और 6th तक का तो ऐसा है कि बच्चे समझदार नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो अपने छाती के ऊपर पढ़ाने ही बढ़िया हो बालक, तो हम भी इस चीज़ को इसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं भाई। तो मंडे से हो सकता है बच्चों का जाना स्टार्ट हम कर दें। तो भाई यहाँ अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, जिसका दिल है रोटी खा सकते हो। और आज का व्लॉग है भाई आपकी फरमाइश के ऊपर, जितना आप लोगों ने बोला, कमेंट आ रहे थे कि आप छोटा व्लॉग बना रहे हो, छोटा व्लॉग बना रहे हो, बड़ा बनाओ, तो भाई देखो अब बड़ा व्लॉग बना दिया। तो बड़ा व्लॉग बनाने का ये मतलब है कि भाई आप पूरा देखा करो, बताया करो कमेंट करके कैसा बना है, तो आप लोग बताते भी नहीं भाई। हाँ जो मेरे रेगुलर हैं सब्सक्राइबर, जो मेरी फैमिली है, जिन लोगों के कमेंट आते हैं भाई, बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों का कमेंट देख के, थैंक यू। और भाई जो न्यू आवे चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, और भाई कमेंट, और मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ। न्यू तो के जब तक हम लोग घर से कहीं बाहर ही नहीं निकलते, तो न्यू कंटेंट तो कहाँ से मिलेगा। बस भाई यही है कि हम लोग कंटेंट तो यही दिखा पाते हैं कि जो हम घर में रूटीन में काम कर रहे हैं, तो रूटीन व्लॉग तो वही होते हैं भाई, जैसे हम सारा दिन क्या क्या करते हैं, तो वही हम दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई कई वो आ लिए कमेंट आ रहे थे कि क्लीनिंग व्लॉग बनाओ, होम क्लीनिंग व्लॉग बनाओ, तो भाई बहुत जल्दी करेंगे वो भी तैयारी, बनाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बता दियो।